तो बस ये रीजन था घर मायके वापिस आने का, अचानक से बहुत ज्यादा दर्द होने लगा इसलिए। तो अभी हम जा रहे हैं और ये देखिए सामने का व्यू। हेलो एवरीवन, एक और फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी बज गए सुबह के 8 और आज मैं जा रही हूँ घर वापिस। तो अभी बस रेडी होते हैं और अभी यहाँ पे खेल रहा है। हाय आर्यन। और अभी धूप भी आ गई है। तो अभी हम निकल पड़े हैं और अभी बस का टाइम भी हो गया है, लेकिन बस आई नहीं अभी तक। पीछे देखिए मम्मी जी गोबर ले जा रहे खेत को और धूप बहुत तेज है, मेरे बाल भी गिले हैं। दादी रहा पारी। तो अभी मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के घर, मतलब मेरे बुआ की बहू, मेरे जेठ जी की वाइफ, उनके घर आ गई हूँ। नीतू भाभी, भाभी दीदी क्या बोलो। फिर देखिए मायरा रात भी खेल रहे हैं और इनका घर ना सेंज में ही है, मेन मार्केट में। तो मैं सोच ही रही थी अभी कहाँ बैठूँ क्योंकि बस लेट जाती घर, तो उतने को ही मुझे मिल गई तो मैं इनके साथ यहाँ आ गई। आजू कहाँ पहुँचे बेटे, आप कहाँ पहुँच गए, ये क्या है? मायरा हाय करो, हाय कर। तो ये देखिए हॉस्पिटल रोड, यहीं पे इनका घर। शरारती बच्चे, शरारत शरारत कर रहे हैं आप। आप भी कर, मायरू बहुत शरारत कर रहे हैं आज। हेलो दीदी, आदि आदि इस रूम में कहाँ जा रही हूँ? आ जा बेटे, चिड़चिड़ा हो गया आदमी का, इसको लग रही गर्मी इसलिए इसने नहीं पहने कपड़े। ना क्या ना क्या रहना। मायरो मायरो यहाँ ठंडा रहो ज्यादा। हाँ क्या हो बेटे, हम कहाँ हैं? और सामने का व्यू इस तरह का है यहाँ पे। भाव कहाँ है? आदमी को लग रही बहुत ज्यादा गर्मी। माइलू टेडी के साथ खेलो। इसको कहाँ से टेडी, ये सा शरारती बच्चा। माइलू क्या पोचल कर रही है? जा बेटे दूध पियो। अतबिक शरारती। और ये देखिए सामने का व्यू। शरारत शरारत करती है। मायरू मायरू कहाँ छुपी है? हेलो हाय हाय हाय। तो आदविक सोया था, अभी आदविक उठ गया है और हमें से पूरा दिन गप्पे मारते मारते निकाल दिया हमने। अब चलते हैं घर की ओर, पहले मैं हॉस्पिटल जाऊंगी क्योंकि आदविक को दिखाना है, इसको ना खांसी हो रही है शादी के बाद से, सुस्त भी हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही हूँ कि हॉस्पिटल ले जाते, इसको अभी भीड़ भी नहीं होगी शाम के टाइम। मायरा आओ इधर, मायरा मायला मायला। और अभी ना हवा भी आ रही है ठंडी ठंडी हवा।
तो अभी हम जा रहे हैं घर बा बीच। बाय मायरा, बाय रहे चाची, बाय बोलना। बाय बाय। बस का टाइम हो गया, बस का टाइम हो गया जाने का। और बाहर बहुत तेज धूप। अरे देख सामने का व्यू। बाय 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 मायरू। बाय बाय मायरू। कल चाची इधर हो? नहीं दूसरी बार आएंगे। चलो फिर, धूप बहुत ज्यादा तेज है। सो गाइस अभी मैं आ गई हूँ अपने मायके वापिस। मतलब आप सब हैरान हो गए होंगे देख के कि सुबह घर गई, अभी फिर से वापिस आ गई। तो मैं ना घर ही गई थी जब आज हम पूरा दिन बाहर बैठे दीदी के घर में। आपने ब्लॉग में देखा होगा, जैसे ही मैं वहाँ से घर जाने के लिए निकली हम गाड़ी में बैठ गए थे मैं और आदबिक, और उतने को ना मेरी दीदी का फ़ोन आ गया एकदम से, और मैसेज भी आए थे उसके बहुत सारे, और मेरा फ़ोन साइलेंट था, मैं फ़ोन देख ही नहीं पाई दिन भर। और जब मैंने फ़ोन में मैसेज पढ़ा ना, कॉल भी नहीं देखी मैंने, मैसेज देखा, मैसेज में लिखा था कि मम्मी बीमार हो गए तू कहाँ है। तो जैसे ही उसने मैंने ये मैसेज पढ़ा, वैसे ही मैं गाड़ी से उतर गई वापस, गाड़ी चल गई थी आधे रास्ते से वापस आ गए। फिर मैंने मम्मी पापा को कॉल किया, वो हॉस्पिटल आए थे। तो मम्मी को ना एक साइड पेट में पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा और उल्टियाँ हो रही थी, तो अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। इस फिर मम्मी को हॉस्पिटल लेके आए, फिर मैं भी वापस आ गई मायके। वैसे हम कुल्लू जा रहे थे लेकिन लेट हो गया था क्योंकि शाम के 6 बज गए थे, और डॉक्टर ने कहा था कि अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा तभी पता लगेगा कि क्या है, पथरी है पेंडिक्स से पता नहीं क्या है। और फिर हम घर वापस आ गए। हमने कुल्लू में भी पता किया कि अगर रात को ही कहीं अल्ट्रासाउंड होगा तो हम जा रहे थे, लेकिन सब मना कर रहे थे तो इसलिए हम वापस आ गए। अब हम कल जाएंगे कुल्लू। आज फिलहाल अभी तक तो मम्मी की तबीयत ठीक है क्योंकि इंजेक्शन वगैरह लगाया है। कल जाना पड़ेगा कुल्लू, देखते बाकी क्या निकलता है रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड में। ऐसे अचानक से दर्द लग गए ना तो ऐसे सारे परेशान हो गए। बस भगवान से दुआ करती हूँ कि सब कुछ ठीक हो। और अभी मम्मी रेस्ट कर रहे हैं, फिर हम भी वापस आ गए। बस तुम घर जा रहे थे आज, तो बस ये रीज़न था घर मायके वापस आने का। और अब मेरे को बहुत हेडेक हो रहा है क्योंकि उस टाइम टेंशन हो गई थी एकदम से मेरे को क्या हो गया। और अभी तो मम्मी सोए रेस्ट कर रहे हैं, मैं जा रही हूँ अभी कॉ मिल्किंग करने। एक गाय की कॉ मिल्किंग करनी है, दूसरी वाली प्रेग्नेंट है तो उसकी कॉ मिल्किंग आजकल नहीं करते हैं। देखिए आडू, चलो काऊ के पास जाना। एक तो ये भी बहुत शरारती हो गया, कुछ करने नहीं देता है। चक चक चक। तो यहाँ से ये घास ले जाना पड़ेगा गाय को देने के लिए।